हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर ऑन द स्क्रीन, एक्सरसाइज 13.3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। देखिए, बस स्टॉप को जो है रोड से अलग किया गया है बाय यूजिंग द बैरिकेड। कौन सी शेप के बैरिकेड लगाए गए हैं? तो आंसर है कोन के बैरिकेड्स लगाए थे। देखिए, जैसे ये फर्स्ट बैरिकेड, दिस इज द सेकेंड वन एंड हियर इज द थर्ड वन। ऐसे कोन लगा लगा के ना, बड़े बड़े कोन, तो इससे हमने रोड को ब्लॉक किया है। तो हमने कितने ये लगा रखे हैं? तो आंसर है 50 जो है ऑलो कौन से हमने लगा रखे हैं। ठीक है, तो एक कोन की डायमेंशन क्या है? अगर हम बात करें एक सिंगल कोन की, ये जो लगा रखे ना 50 कोन, एक सिंगल कोन की डायमेंशन क्या है? हमें बता रखा है कि जो डायमीटर है दिस इज 40। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट भी देखिए, दिस हाइट इज 1 मीटर। तो देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, कोशिश को बाद में हम चेंज कर लेंगे। अब बोल रखा है कि हमें कि अगर हम इन कोन को पेंट करते हैं, अगर हम इस कोन को ऐसे पेंट करते हैं कर्व सरफेस एरिया को, तो खर्चा आता है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 12 रुपये आ रहा है। तो हमें बताना, हमने ऐसे 50 कोन पेंट करने हैं, तो 50 कोन को जो पेंट करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे एक कोन का एरिया। ठीक है, जब हमारे पास एक सिंगल कोन का एरिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि 50 कोन चाहिए। तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 × πr। उसके बाद एरिया से हम कॉस्ट निकालेंगे। हमें बता रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपये है, तो ये जितना एरिया आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस निकालेंगे पहले, डायमीटर 40 था, इसका हाफ करेंगे, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 0.2 मीटर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि कॉस्ट जो दे रखी है दिस इज इन अ मीटर। ठीक है, तो मीटर में दे रखे हैं मीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, हाइट इज 1 मीटर। तो सबसे पहले अगर हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया पता करना है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास पाई है, आर है, पर एल नहीं है, तो एल की कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज एल? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वेयर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.2 स्क्वेयर प्लस एच इज 1 स्क्वेयर। 0.2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 0.04। ये 1 का स्क्वेयर ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 1.04। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 1 का जो स्क्वेयर रूट होता है दिस इज 1, ये 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तो 1 आ जाएगा, 0.02 का 0.04 का स्क्वेयर रूट 0.02 आ जाएगा। तो टोटल मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ रही है? एल इज 1.02 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एक कोण का एरिया क्या आएगा? यही है एरिया का फॉर्मूला, क्या है? पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया 1 कोण, उसका फॉर्मूला का पाई आर एल। पर हमें कितने चाहिए? हमें तो 50 कोण चाहिए। तो जो एक का एरिया है दिस इज एरिया 1 कोण, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आंसर है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सी हियर, तो ये 50 मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया 50, देन सो 50 को यहाँ पर लिख चुके हैं। पाई 13.14, आर आर क्वेश्चन कितना दे रखा है? आर हमें क्वेश्चन में 0.2, सो लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2। एल एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.02। तो देखिए पाई आर एल ये होगा एक कोण का, 50 से मल्टीप्लाई करें 50 से। ठीक है, तो 50 कोन्स का एरिया आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 32.028 ये एरिया आ रहा है 50 कोन्स का, 50 कोन्स का आ रहा है। ठीक है, तो हमें इतना एरिया पेंट करना है 50 कोन का। अब क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हो, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आ रही है? तो बिल्कुल सिर्फ 12 रुपये आ रही है। पर हमें 1 मीटर स्क्वायर नहीं पेंट करना है स्टूडेंट्स, हमें 32.028 इतना मीटर स्क्वायर पेंट करना है। तो बिल्कुल हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा दिस इज 384.34 रुपीज़। तो इतना खर्चा आएगा तकरीबन तकरीबन इन सब कोन्स को
पेंट करने का। स्टूडेंट इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।